तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पावर बीआई, नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड विद पावर बीआई। और इसमें हम बात करेंगे किसी तरह की डेटा की कनेक्टिविटी आप पावर बीआई में कैसे करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे एक्सेल की पिवट टेबल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पिवट टेबल का ही बेस पावर बीआई है, तो थोड़ा सा पिवट टेबल से भी आपका स्टार्टअप होना चाहिए, थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर बीआई में डेटा को हम लोड कैसे करते हैं। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिख लगेगा। माइक को म्यूट रखिएगा, जब भी कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने पावर बीआई का जो हमारा पहला लुक होता है, पहला सेटअप होता है, सब किसी तरह का होता है। ये मैंने लॉगिन कर रखा है, इससे मेरे पास यहाँ पे सैंपल वीडियो जो है फॉरम लिंक ब्लॉक लिंक आ रहा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आपको लॉगिन का है, तो आप यहाँ से भी गेट डेटा कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं। रिसेंटली आपने जो पावर बी आई का जो आपने फाइल्स बना रखी हैं उसको ओपन कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं, या आपने जो रिसेंटली डेटा एड किए उसी डेटा पर काम करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं आप, या गेट डेटा आप गेट डेटा को ले सकते हैं। अगर इसको क्लोज भी कर देंगे तो ये आपका पावर बीआई का होता है। इसमें आपके सामने जो दिख रहा है गेट डेटा, यहाँ से हम डेटा लेते हैं। तो ये जो व्यू है ये आपका फील्ड होंगे, जो भी डेटा कनेक्ट करेंगे तो सब फील्ड आएगा। ये विजुलाइजेशन है, इसके अप्लाई फिल्टर्स है, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड और रिपोर्ट के लिए पेजेस को ऐड कर सकते हैं। और इसके तीन व्यू है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू एंड डेटा मॉडल व्यू। तो सबसे पहले हमको डेटा कनेक्ट करते हैं। हालांकि डेटा अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होने वाला डेटा जैसे एक्सेल हो गया, पावर सेट हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, या खुद से डेटा बनाना चाहते हैं पावर बीआई में तो यहाँ बना सकते हैं, या रिसेंटली सोर्सेज से जो कि आपने रिसेंटली जो फाइल है वो एक्सेल की हो या आपकी सीएसवी हो, नोटपैड हो, जो भी फाइल आपने लोड किया हुआ यहाँ लिस्ट आपको आए। तो या फिर आप यहाँ गेट डेटा पे करेंगे तो रिसेंटली आपको यहाँ पे आएगा, बट मोर पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा सेटअप आ जाएगा, पूरी की पूरी कनेक्टिविटी विद कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपके सामने दिख रहा है इसमें ऑल जितनी भी कैटेगरी है ऑल है, कैटेगरी फाइल्स किसी पर्टिकुलर फाइल से करना चाहते हैं, डेटाबेस से करना चाहते हैं, आप की जो प्लेटफॉर्म उससे करना चाहते हैं, और जुड़े जो आपके पास जो डेटाबेसिस होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इससे करना है, या ऑनलाइन सर्विसेज है ऑनलाइन सर्विसेज से करना है, या अदर सर्विसेज है आपके सामने तो अदर सर्विसेज से भी कर सकते हैं, वेब द्वारा किसी वेबसाइट का डेटा लेके आना है वो चीज़ें यहाँ से आप ला सकते हैं। तो फिलहाल हम एक्सेल फाइल को करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली हम एक्सेल फाइल पे ही करते हैं। हम एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया, एक्सेल को सिलेक्ट किए एंड यहाँ से कनेक्ट। अब इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारे डेटा फाइल है जो कि जनरली गई हुई है। अगर आपको कोई और डेटा सेट चाहिए, किसी तरह का डेटा और सेट चाहिए, लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं अपने डेटा के। तो मैंने यहाँ पे डेटा एस करके कहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ओपन किया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, डेटा को लोड कर रहा है। तो ये जो डेटा की जो कनेक्टिविटी होती है बिल्कुल पावर क्यूरी की तरह होती है। एक्सेल में जो आप डेटा कनेक्टिविटी करते हैं सेम उसी तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे आती है। अगर एक्सेल में मान लीजिए एक्सेल पे किसी अदर एक्सेल का डेटा आप लेकर आना चाहते हैं तो वहां भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे आप डेटा बार में आइए और ये आपको दिख रहा होगा गेट डेटा। अब गेट डेटा पे आएंगे तो यहाँ भी वही कैटेगरी है, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेसेस, अजूरे, ऑनलाइन सर्विसेज, अदर सर्विसेज, कंबाइंड क्वेरी। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा वही, और उसी तरह का फील देता है पावर बीआई। तो यहाँ पे ऐसे रीड किया कि आपके टेबल दो टेबल है, टेबल को अलग रीड कर देता है। तो आप जो फाइल में एक टेबल था, एक और टेबल टेबल टू था, अगर आपको टेबल नहीं देता है तो फिर अपने फाइल सीट्स हैं उस सीट्स को ले सकते हैं। अब देखिए सीट में प्रॉब्लम क्या हुआ कि सीट हमारा जो डेटा था टेबल फॉर्मेट में था, बट पहले कॉलम में मेरा हेडिंग नहीं था। आप देख रहे हैं हेडिंग हमारा यहाँ से है, तो इससे पहले क्या किया, क्योंकि जो पहला कॉलम होता है उसको वो हेडिंग समझता है।
तो इसलिए टेबल फॉर्मेट में यहाँ रीड कर दिया, तो आप डेटा को लोड करने से पहले एक बार चेकआउट कर ले कि जो डेटा आप लोड कर रहे हैं यही डेटा है या कोई और है, सही फॉर्मेट है या नहीं। आप इस पर क्लिक करेंगे और डेटा को अब देखिए डेटा लोड करने में कुछ नहीं आया क्योंकि हमने अभी तक चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया। आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और एक साथ अब कई सारे टेबल्स या कई सारे शीट्स की डेटा आप लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लोड कर दिया तो डायरेक्ट पावर बी आई के डेटा सेट में आ जाएगा। अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो ये चला जाएगा आपकी पावर क्यूरी पे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा कब करते हैं, जब मुझे इस डेटा में थोड़ी सी एडिटिंग करनी, जैसे ये डेटा मान लीजिए कि हमारे सारे सेल्स मोड का है, मुझे इसमें सिर्फ ऑनलाइन सेल्स मोड का रिपोर्ट बनाना है, तो हम साथ हम ये देखना चाहेंगे कि हम पावर बी आई पे डायरेक्ट जो है पूरा का पूरा डाटा क्यों है। तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, तो ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे तो हमारे पास पावर क्यूरी आ जाएगा। ये पावर क्यूरी अरे वही है जो एक्सेल में होता है, बस तो थोड़ा सा नए फीचर्स में आ गए, बस बिल्कुल सेम है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ ऑनलाइन या कुछ और कैलकुलेशन, कुछ और कॉलम ऐड करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है तो यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन को सिलेक्ट किया, जब मेरा फाइनल हो जाएगा देन अप्लाई एंड क्लोज। अब यहाँ पे डेटा आ जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ पावर बी आई का दिखा रहा है। तो पावर क्यूरी हमें देता है एडिट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बिफोर द मेकिंग द रिपोर्ट एंड लोडिंग द डेटा इन द पावर बी आई। तो पावर क्यूरी ने यहाँ पे बहुत अच्छा रोल अपनाता है। इसके बारे में डिटेल्स यहाँ क्लासेस में आपको बताएंगे, अभी तो जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ। अब जितने भी उसके फील्ड है यहाँ पे आ गए, अगर आप डेटा सेट में जाके देखें तो डेटा सेट यहाँ आ गए। अब यहाँ जरूरी नहीं कि मैं यहाँ जो डेटा है इस डेटा पे कुछ भी कर सकता, इस डेटा के ऊपर भी मैं अपने हिसाब से कॉलम ऐड कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट क्या है कि जो इस रिपोर्ट को एक्सेस करेगा वो उसको चेंज कर सकता है, बट पावर क्यूरी नहीं, क्योंकि पावर क्यूरी का जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वही कर पाएगा। इसलिए हम पावर क्यूरी में जाके अपनी जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अब रिपोर्ट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अब एक डैशबोर्ड बनाना है आपको तो बस यहाँ से अपनी विजुलाइजेशन को चूज करना है और फिल्टर को ड्रॉप करना है, जैसे आप पिवट टेबल में करते हैं। और इन जीओ पे मैंने आई थिंक आपके साथ डिस्कस भी किया है, इम्तियाज जी अजय जी, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने नेम को यहाँ उठा कर रखा और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को उठा, हमारी रिपोर्ट तैयार हो गया। इसको आप साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, इसमें और भी नई चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे मुझे इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे ट्री मैप चार्ट चाहिए, ट्री मैप चार्ट चाहिए तो हमने क्या किया, ट्री मैप चार्ट में अपना स्टेट डाल दिया और हमने यहाँ पे टोटल डाल दिया, हमारा ट्री मैप चार्ट हो गया। तीन चीज़ें कर सकते, इससे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी पावर बी आई। फिलहाल मैंने आपको इतना इससे बताया ताकि आप लोग थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। बट आज जो सेशन है हमारे वो है पिवट टेबल का सेशन है, क्योंकि हमारे कोर्स में क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी पिवट टेबल को थोड़ा सा डिटेल करना है। तो हमारा पिवट टेबल आपके सामने एक डेटा है, हम पिवट टेबल इस पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पिवट टेबल लगाने से पहले दो तीन चीजें आप जो है एक बार ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार डेटा आपको कॉपी करता हूँ और एक नई चीज पे डालता हूँ ताकि मैं डेटा आपको शेयर कर सकूँ। सबसे पहला होता है कि डेटा को समझना, अगर आपने डेटा को नहीं समझा तो उसकी दिक्कत हो, इसलिए सबसे पहले आपको क्या किसको समझना है, डेटा, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो दो चीज़ें, पहली आपकी डेटा क्या है, किस तरह का डेटा है, डेटा में क्या अच्छी चीज़ें क्या क्या खराब चीज़ें, डेटा कैसा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक दिक्कत और आती है, डेटा का सही होना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा आया इस तरह का नेम, और ये हमारे डेट्स हो गए,
और यहाँ पे हमारे पास है मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देगा किस तरह का डेट हो। अब मुझे इस डेटा के ऊपर मंथली रिपोर्ट बनाना है, पॉसिबल है सर? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने इस पे पिवट लगाया तो एक डेट बाय फील्ड आ जाए, तो मंथली रिपोर्ट बनाना बहुत ही क्रिटिकल है। इम्तियाज जी, इसको ट्रांसपोज करके एक बना सकते हैं? नहीं, ट्रांसपोज करेंगे तो फिर आपका ए हेडिंग बन जाएगा, रवि पूजा के अलग अलग फील्ड आ जाएंगे। मैं ट्रांसपोज आपकी तसल्ली के लिए मैं ट्रांसपोज भी कर देता हूँ, स्टेशन ट्रांसपोज। तो इसमें देख रहे हैं ये नेम आ गया। अब सर हमको मंथ वाइज बनाना है ना सर? अब मंथ वाइज बनाना है तो हमें पता होना चाहिए टीम के हिसाब से टोटल चाहिए कि टोटल टीम ने कितनी खर्च किया हुआ है। जैसे एक पूजा का निकल जाएगा, नीरज का निकलेगा ना, जैसे चलो आपके पास कम नाम है ना इसलिए, लेकिन हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और भी नाम होंगे ना। मान लीजिए बीच के 10,000 तक डेटा गया हुआ है, क्या लग रहा है बन जाएगा पिवट से? हो जाएगा सर। पिवट में एक तो मंथ वाइज फंक्शन भी है जिसमें आप डेटा को डेट से मंथ में क्लब कर सकते हैं, और दूसरा मंथ की बात नहीं है, बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे तो आपको रो आपका कम दिख रहा है, नहीं सिर्फ समझ रहा है। ये रो अगर मान लीजिए कि 20,000 25,000 30,000 तक रो चला जाए तो आपका ट्रांसपोज भी नहीं कर पाएंगे ना आप, तो ट्रांसपोज आप 16,000 तक ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कॉलम की काउंट है वो 16,000 समथिंग ही है। सर फाइल बिना खोले हुए सर हम लोग इसको एक्सटर्नल से लेकर के तब फिर इसको मंथ वाइज पाइवट लगा करके इसको 2x2 फिर बाद में सर एक्सटर्नल जो अगर जैसा इसमें डेटा से होना चाहिए, इसमें डेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए, नेम सेल्स यहां पर डेट होना, डेट एंड सेल्स इस तरह का डेटा होना चाहिए, नेम यहां आता फिर डेट यहां आएगा और फिर उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए। अगेन अगेन नेम यहाँ आएगा, नेक्स्ट सेकेंड डे, तब जाके सही रिपोर्ट बैठ पाएगी सर। मैं समझ गया सर, समझ गया प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझ गया ना सर? जी जी, आपको समझ में आया ना जी? जी सर समझ गया सर, प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ गया। इम्तियाज अये क्या बोलते हैं, अजय जी, अजय जी समझ में आया आपको? जी सर, इस तरह से करना पड़ेगा और इसको करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है इस समय। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो ऐसा किया जा सकता है, एक तरीका है, कुछ दिन पहले हमने किया था। हाँ जी, पावर बी आई में किया था मैंने उसको, बट मैं देखना चाहता हूँ क्या एक्सेल में भी ये चीजें है या नहीं, तो मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम में मुझे हर दूसरे दिन किसी न किसी का कॉल के आ जाता है, कोई कॉल करके पूछ लेता है तो इस तरह से रिपोर्ट बनानी है मेरा, इस तरह से। तो मैं एक बार ये हो गया, अब मैं यहाँ से इसके हटा देता हूँ। सारा जी समझ में आ रहा है आपको क्लासेस की? नहीं जी, मुझे समझ आ रहा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, आप लाइव हैं। ओके। जैसे हमने फ्रॉम एक्सेल फाइल किया, देखिए कुछ भी आप पावर बीआई कर लें या टैबलो यूज कर लें, आपका आना तो एक्सेल पे ही है लास्ट में, तो एक्सेल इज इम्पोर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट में आ गए, हमने इसको इम्पोर्ट किया, बिल्कुल आप देखिए इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं पावर बी आई की तरह ही, इसका भी इम्पोर्टिंग सिस्टम है, अभी तुरंत आएगा आपको, देखिए पावर बी आई की तरह ही। बिल्कुल है ना सर, उसी तरह से
डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ हम ट्रांसफॉर्म पे चले गए। अब ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद मुझे पावर क्वेरी एडिटर आ गया। पावर क्वेरी एडिटर आ गया, इसमें एक ऑप्शन होता है अनपिवट डेटा। अनपिवट डेटा मैंने बहुत पहले यूज किया था, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये अनपिवट डेटा ट्रांसफॉर्म में है क्या। डेटा था ये नो, हाँ अनपिवट कॉलम, देखा अनपिवट कॉलम पे क्लिक कीजिए। एक सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, इसने हमारा फर्स्ट हेडिंग नहीं लिया, सबसे पहले हेडिंग लेना पड़ेगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर यूज फर्स्ट डू एज ए हेडर, पहले ये करना पड़ेगा, हेडर ले लिया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में हमारे पास आएगा अनपिवट कॉलम, कॉलम पोस्टिंग डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, नहीं होगा सर इसमें नहीं होगा। मैंने अनपिवट करने पे क्या होता है कि पूरा का पूरा ही हो जाता है, मैं लोड एंड क्लोज करता हूँ यहाँ। आई थिंक डेट होने के कारण ऐसा नहीं हुआ है, डेट होने के कारण हमारा अनपिवट नहीं हुआ, वरना इजली अनपिवट हो जाता है। अच्छा मैं इसको बाद में देखूंगा, फिलहाल सुनिए। तो मैं समझ रहा समझा रहा था कि पिवट जब आप यूज जब डेटा बनाना चाहते हैं तो डेटा एक डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। ए ए जो दिख रहा है आपको ए रिपोर्ट फॉर्मेट, नॉट ए डेटा फॉर्मेट। तो डेटा को समझना सबसे पहले जरूरी है। ये जो डेटा आप दिख रहा है इसमें हमारा कस्टमर है, इंडस्ट्री है, रीजन है, प्रोडक्ट है, एस्टिमेटेड है, एक्चुअल है, एमआरपी है, क्वांटिटी है, और किस क्वार्टर में सेल की गई है, कुछ ईयर में, और सेल्स का परसेंट क्या है। तो एक चीज आपने ये देखी देख लिया। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप रिपोर्ट कौन सा चाहते हैं, आप रिपोर्ट जो है कौन सा चाहते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं रिपोर्ट चाहता हूं कि मुझे रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी पता हो, सिंपल। अब मुझे पिवट लगाना है। पिवट लगाने से पहले से देख लीजिए कि आपकी हेडिंग कोई ब्लैंक तो नहीं है, अगर हेडिंग ब्लैंक हुआ तो पिवट अप्लाई नहीं है, तो पिवट हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी चीज आप पहले चेक कर लीजिए कि आपके डेटा में कोई पूरा का पूरा रो ब्लैंक तो नहीं है, अगर रो ब्लैंक है तो फिर आपको डेटा को सिलेक्ट करके देन पिवट लगाना पड़ेगा। अगर बगैर सिलेक्ट किए हुए पिवट लगाते हैं तो ये आपका जस्ट ऊपर का पिवट सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होता। और मैंने बोला पूरी की पूरी रो ब्लैंक, अगर बीच में कोई नंबर है जैसे यहाँ पे नंबर 0 दिया हुआ है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कंट्रोल ए के मेथड पे चलता है। अगर रो ब्लैंक नहीं है तो डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप पिवट लगा। जब इंसर्ट में जाते हैं तो पिवट टेबल, अगर पिवट टेबल के बगल में आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है, ये आपकी पूरी डेटा को देखता है और देखने के बाद आपको रिकमेंड करता है
कि इस पे कितने तरह से कीवर्ड अप्लाई हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई आपको पसंद है तो क्लिक करके लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कीवर्ड टेबल पे क्लिक करें। कीवर्ड टेबल पे क्लिक करके आपको कुछ भी करना है, यहाँ पे फिलहाल ओके कर दीजिए, एक नई सीट पे आपका डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे अपनी जो मेरा जो ए है फील्ड्स है, मैंने आपको बोला था कि फील्ड्स ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोला था कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलता है, और फील्ड में कोई ब्लैंक है तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने फील्ड को लेना है, हमने रीजन को लिया और यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और हमने यहाँ पे कस्टमर को लिया, फिर इसमें क्वान्टिटी को लिया और यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जैसे कि हम सेम पावर बी आई करते हैं। अब उन्होंने सर आपके पिवट टेबल में जो डेटा आ रहा है ना पावर बी आई में, तो पूरी की पूरी विजुलाइजेशन आती है। तो यहाँ देखिए पावर बी आई के अंदर भी डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। मैंने मान लीजिए कि मैंने दे दिया यहाँ पे ऑनलाइन देती है साइट को उठा के रख दिया और इसके टोटल भी उठाया जाता आ गया नहीं था। अगर मैं साइट पर डालता हूँ, मैं इसको नेम रखता हूँ, या साइट और नेम दोनों चाहिए तो मैंने यहाँ रख दिया। अब डेटा जो आपको दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से आपके सामने आता है वो आता है मैट्रिक्स मोड, मैट्रिक्स मोड में करेंगे तो कुछ इस तरह से कॉलम में नेम आ गया, तो इसको आप स्विच भी कर सकते जैसे कि आपने पिवट टेबल में किया है। तो सेम पिवट टेबल की तरह वर्क। अब यहाँ पे किसी और भी है जैसे कि आपका बन चुका है, अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग को चेंज कर सकता हूँ। हम यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ टोटल क्वांटिटी। हम चेंज क्या नहीं कर सकता, हम चेंज नहीं कर सकते इस टोटल को जो कैलकुलेट होके आई है उससे अगर किसी तरह के चेंजिंग करते हैं तो ये आपको अलाउ नहीं होगा, पिवट आपको करने नहीं देगा, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें उसको चेंज किया जाए। फॉर्मेटिंग की बात आई तो आप यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो पिवट टेबल जब इंक्रीज होगा, अगर वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो आपकी फॉर्मेट भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती है मेरी। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्मेट मेरा पिवट का पार्ट हो जाए तो पिवट टेबल, जैसे पिवट टेबल के रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में आप देखिए क्या है, यहाँ आपको दिखेगा डिजाइन। डिजाइन में यहाँ आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट है, प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, बस उसको चूज कीजिए एंड अप्लाई कर ली, तो ये आपका फॉर्मेट का पार्ट हो गया। अब साथ ही मुझे इसमें विजुलाइजेशन चाहिए, मुझे चार्ट वगैरह चाहिए, तो यहाँ आप एक दो तरीके, एक आप पिवट टेबल में लाइन में जाके पिवट चार्ट यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल चार्ट भी जैसे आप अप्लाई करते हैं उस तरह से अपने चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका पिवट चार्ट ही होगा, पिवट से कनेक्टेड होगा। और चार्ट की भी अपनी एक फॉर्मेट है, आप यहाँ ऊपर डिजाइन में चले जाएं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के स्टाइल दिखेंगे, अगर आपको स्टाइल तरह की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे नॉर्मल चार्ट पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेट चार्ट, ऐसे इसको फॉर्मेट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम पिवट का यूज क्यों करते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के, एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन लेने के, क्योंकि हमें डेटा से कुछ समझ में नहीं आता है, हमें समझ में आता है डेटा की समरी से। ओके, डेटा की समरी से समझ में आता है। तो पिवट टेबल इसके एक्सेल में लगाने का सिंपल तरीका है। अब कुछ चीजें हैं जो एक बार हम डाल लेते हैं कि पिवट टेबल में क्या क्या हो सकती है। जैसे कि मुझे इसमें मैंने पिवट टेबल लगाया था, मुझे इस बार में दो फील्ड चाहिए, मुझे चाहिए कि किस रीजन में किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया। तो मैंने जब पिवट लगाया, पिवट लगाने के बाद मैंने रीजन को रखा रो में और मैंने रखा सेल्स पर्सन को रखा कॉलम में, और फिर क्वांटिटी को रख दिया, ये आपके सामने दिख रहा है। तो जो ब्लैंक है मैं ब्लैंक में जीरो फिल करना चाहता हूँ, तो आपको पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग पे जाना होगा, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन, और यही में आपको दिखेगा
फोर इंफेक्टिव सेल्स, सो मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, अब ये जीरो से हो। अब जीरो के जगह पे आप कोई टेक्स्ट या कुछ तरह का मैसेज भी डाल सकते हो, यहाँ आप क्रिएट डाल देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने कॉलन और रो मैट्रिक्स फॉर्मेट में निकाला, लेकिन हमारे रो की जो है एक लिमिटेशन है। अगर आपने इसमें बहुत ज्यादा डाल दिया तो फिर एक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर मेरे पास ज्यादा फील्ड हो, मतलब कि कोई ऐसा फील्ड हो जिसके में एनालिसिस चाहिए वो बहुत ज्यादा है, हम कॉलम में तो नहीं रख सकते उसको, तो कहाँ रखें, तो रो में रख दीजिए जिसको सब हेडिंग ना है। इस तरह या मैं कस्टमर को रखना चाहता हूँ कस्टमर को मैं रख दीजिए इस तरह से। इसमें एक और फायदा है कि इसमें जो आपसे प्लस माइनस सिंबल दिखा ना, इसे एक्सटेंड एंड कोलैप्स करते हैं, एक साथ यहाँ से कर सकते हैं एक्सटेंड एंड कोलैप्स, इस तरह से समरी ऑफ द समरी हो जाता है कि मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे देखिए अगेन हमने इस पर क्लिक किया, अगेन हमने इस पर क्लिक किया, इस तरह से समरी ऑफ द समरी बन जाता है। बट प्रॉब्लम कब होती है, अगर आपको रिपोर्ट एज ए फिगर टेबल में किसी को भेजना है तो गुड, बट अगर आपको इसको भेजना है पिवट टेबल में नहीं, इसको किसमें भेजना है, एक कॉपी करें, बस कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डेटा को पिवट में समझ निकाल के कॉपी करके दूसरी जगह पे डालते हैं, फिर उसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो ये अलग अलग कॉलम में आना चाहिए। एक ही कॉलम में अगर हो गया तो कॉपी करके जब मैं इसको वैल्यू पेस्ट करूंगा किसी और जगह पे तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कस्टमर कौन है और रीजन कौन है। तो अलग अलग कॉलम्स में चाहिए कैसे करें, तो उसके दो तरीके, एक तो पिवट टेबल डिजाइन पे जाइए और यहाँ से लेआउट पे आके यहाँ से टेबल फॉर्म कर लीजिए, या दूसरा राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू डिस्प्ले क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट कर दीजिए, फिर आपका हो जाता है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ टोटल आ रहा है ना, टोटल को हटाना, राइट क्लिक कीजिए ये टोटल आपका सब टोटल का नीचे ये आपका अलग अलग कॉलम है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर तो कॉपी करके कहीं पेस्ट करूंगा तो फिल्टर नहीं लगा पाऊंगा, यहाँ पे तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ क्योंकि पिवट, बट नॉर्मल डेटा पे फिल्टर नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि यहाँ इसके सामने डेटा है और इसके नीचे हम चाहते कि ये रिपीट हो जाए, यही रिपोर्ट लेआउट में यही पे आपको रिपीट ऑल आइटम लेवल दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए यहाँ आपको रिपीट हो जाए और पावर बीआई में ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है, अगर आपने डाला है तो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाता है, आपको उससे करने की जरूरत नहीं। ओके, तो डेटा हम आपको भेज देते हैं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है सर। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर। और कल से हमारी 3-4 क्लासेस पिवट की चलेगी, देन हम पावर बीआई को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिवट टेबल आपने देखा कि पिवट टेबल और पावर बीआई में कितनी समानता है, और पिवट टेबल को समझ जाइए, पिवट टेबल में हम पावर ब्यूटी को पावर पिवट को समझाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मैंने दिया हुआ है, हमारे कोर्स सिलेबस में देखते हैं एक्सेल का पार्ट दिया हुआ है, देन हम पावर बीआई के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।